सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। तो आखिरी ख्वाहिश, ट्रिगर दबाते ही तेरा भी काउंटडाउन शुरू। कब रिलीज होगी फाइटर? कौन कौन होगा फाइटर में? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म फाइटर लंबे वक्त से चर्चा में है। इस फिल्म से पहली बार दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन को बड़े पर्दे पर एक साथ देखा जाएगा। इतना ही नहीं, फिल्म में ऋतिक की तरह दीपिका भी अपना दम दिखाती दिखेंगी। इसी बीच फिल्म को लेकर एक और अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट की माने तो ये भारत की पहली एरियल एक्शन फ्रेंचाइजी बनने जा रही है। इस फिल्म से जुड़ी दूसरी खबर ये भी है, इसे नया स्टूडियो पार्टनर मिल गया है। बॉलीवुड के ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर फिल्म को लेकर ये जानकारी शेयर करते हुए लिखा, बड़ी खबर, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में काम करने जा रहे हैं। भारत की पहली एरियल एक्शन फ्रेंचाइजी बनने जा रही फाइटर के लिए तैयार हो जाएं। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद करेंगे और फिल्म का निर्माण वाईकॉम 18 स्टूडियोज के बैनर तले ममता आनंद, रमन चिब और अंकु पांडे कर रहे हैं। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के दो ऐसे सितारे हैं जो अपनी अपनी जगह पर सुपरस्टार हैं। फैंस दोनों को साथ देखना चाहते थे और आखिर उनकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। दोनों की बड़ी फैन फॉलोइंग है और उनके फैन उनकी तस्वीरों के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, फिल्म फाइटर की रिलीज की तारीख सामने आ गई है। सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को रिलीज होगी। इनके अलावा फिल्म में अनिल कपूर भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम पर इस खबर की घोषणा करने के लिए एक वीडियो पोस्ट किया। अनाउंसमेंट वीडियो के मुताबिक फाइटर भारत की पहली एरियल एक्शन फिल्म है। पहले फिल्म 26 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली थी। मच अवेटेड फिल्म में ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद के तीसरी बार रियूनियन भी है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कैटरीना कैफ के साथ बैंग बैंग और टाइगर श्रॉफ के साथ वॉर में काम किया था। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं ग्रीक गॉड को फाइटर में देखने के लिए? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहिए हमारे चैनल पॉलीग्राथ स्टूडियो।